डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो आपको जेईई मेन और एडवांस में सफलता दिलाने के लिए काफी बहुत ज्यादा आपको मेहनत न करनी पड़े, इसलिए वो काफी फेवरेट होंगी आपके। और इसी तरीके से नीट में कैसे आपको सफलता मिलनी है, कैसे आपको एफर्ट्स करने हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर कैलिबर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट तो है लिटरेरी का, आपको डांस बहुत अच्छा लगता है और आप जबरदस्ती कोचिंग कर रहे हैं आईआईटी या नीट की। आप समझ लीजिए कि वहीं से आपकी 50% संभावना कम हो जाती है सक्सेस की, क्योंकि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आपको मौका दिया जा रहा है जो उस फील्ड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर टैलेंट, नो योर सेल्फ कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में जब आप थोड़ा सा करेंगे ना तो और ज्यादा करने का मन करेगा, और ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा करने का मन करेगा, क्योंकि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है। और जब बहुत ज्यादा आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से कोई आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज है कि हमने कई बच्चों को ऐसे देखा कि मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा जेईई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो, होगा क्या इसे? जबकि आपकी बातों से लग रहा है मम्मी पापा ने कहा था, यहीं पे लग रहा है कि आपका मन नहीं था। आप फ्रैंकली बता दीजिए कि हमें इस फील्ड में नहीं जाना है। और भी बहुत सारे ऐसे, अब तो कोई फील्ड ऐसा है ही नहीं जिसमें आप करियर ना बना सके, चाहे स्पोर्ट्स में देखे, चाहे सिंगिंग में देखे, चाहे डांसिंग में देखे, हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके हुनर का इंतजार कर रहा है। तो पहले आप अपने को पहचानिए कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें पहुंचना है और ये प्लेटफॉर्म हमारे टैलेंट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कर रहा है, तो आपको वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, पहला ही स्टेप। अब दूसरी चीज आती है कि अगर आपने ये सोचा है कि हमें आईटी क्रैक करना है, हमें नीट क्रैक करना है, तो पहली चीज ये है कि आप शुरू से ही का मतलब नाइन्थ में जब आप पहुंचे तो वहीं से फंडामेंटल्स क्लियर रखें। होता क्या है कि नाइन्थ और टेंथ में बच्चे केवल नंबर पाने के लिए पढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया है तो अच्छी तरीके से तैयार कर लो, अगर बोर्ड में नहीं आया है तो इग्नोर कर दो। ये कभी नहीं पूछा गया तो बिल्कुल ना पढ़ो, गलत बात। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बोर्ड के नंबर गेन करना और कंपटीशन को क्रैक करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़का 60% सिलेबस करके 95% मार्क्स गेन कर लेता है, केवल उसने हाई स्कूल और इंटर का 60% सिलेबस पढ़ा है, नंबर कितने आ रहे हैं 95%। क्यों? क्योंकि उसने वही चीजें पढ़ी जो ट्रेडिशनल रूप से बोर्ड में पूछी जाती है, और जब वो चीजें ही पढ़ी हैं, वो कोर्स कंटेंट का केवल 60% है, जाहिर सी बात है वो बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं, उसी पैटर्न का पेपर आएगा तो वहां तो सक्सेस मिलेगा, 95% उसके आ जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज समझिए, क्या कंपटीशन में भी ऐसा होता है? नहीं, कंपटीशन को एंटायर सिलेबस, आपका जो भी सिलेबस है 12th का पूरा देखते हैं, 12th के सिलेबस को आपने 60% ही पढ़ा है जबकि आ रहा है पूरा सिलेबस, तो वही चीज कठिनाई बन जाती है, वही डिफिकल्टी आपको मालूम रहती है। यहां तो सब चीज बड़ी हाई फाई है, बल्कि हाई फाई कुछ नहीं, आपने तो इंटर में वो चीज छोड़ रखी थी, आप उसको 85% 90% तक बोर्ड में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब आपके पास टाइम होगा और तब जो 10% या 5% का बचा हुआ है, केवल टॉप क्रॉस सिलेबस जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, नई नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो बचा रहेगा, उसकी आप तैयारी कर लेंगे तो आपको एक कंपटीशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप पढ़ रहे हैं यहां पर ये पूरा सिलेबस है 0 से लगा करके 100 तक, आप केवल 60% इतना परसेंट पढ़ते हैं, 60% पढ़ते हैं और इसी से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में 90% से 95% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, वो ट्रेडिशनल पैटर्न है, और कुछ पैटर्न ऐसा बनाया भी जाता है बोर्ड का कि अधिक से अधिक लोग सक्सेस पा सके, क्योंकि उसमें तो रिजल्ट भी देखना होता है कि इंटरमीडिएट में लगा कर बैठ रहा है तो पास हो जाए, ऐसा पेपर 33% लगा ले आ सके, उसको आईआईटी के बारे में नहीं उसको ध्यान में रखा जाता है कि आईआईटी क्रैक करेगा तो इसलिए स्टैंडर्ड पेपर बनाए ना, इंटरव्यू तो करवाना है, बहुत सारे लोगों को तो इंटरव्यू क्वालिफाई कराने, इसलिए पेपर का पैटर्न अच्छा रखा जाता है, बहुत अच्छा इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि फिर ऑल्टरनेट करके उसको
नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो वही चीज है, आपने कितना पढ़ा। अब रिमेनिंग ये पार्ट तो आपने टच ही नहीं किया, आपने तो ये कह दिया था ये तो कभी बोर्ड में आया ही नहीं, आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया। बस यही पर कंपटीशन का खेल शुरू होता है, यही आपके हैं कंपटीशन का। जिस लड़के ने ये मेहनत कर ली उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, वो किसी भी कोचिंग में चला जाए हमेशा आगे रहेगा और वही क्रैक कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि आप केवल सिलेबस बोर्ड का पासिंग मार्क्स के हिसाब से न पढ़िए, आप उसकी डिफिकल्टीज भी पढ़िए। हर किताब में व्हाटएवर बी योर रेफरेंस बुक, आई डोंट नो, डिफरेंट स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेफरेंस बुक्स। उन रेफरेंस बुक्स में आपने देखा होगा एक शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, फिर लार्ज, फिर कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव तक लड़का पहुंचता ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचता? क्या वो कॉम्पिटिशन में आते हैं इसलिए नहीं पहुंचता, जबकि उसको कॉम्पिटिशन देना है? देखिए कितना कंट्राडिक्टरी वर्जन। कंपटीटिव एग्जाम जहां पे लिखा है वहां लड़का छोड़ देता है, पन्ना पलट देता है, जबकि देना उसको क्या है? कंपटीशंस देना है। तो जब वो पन्ना पलट देगा वो उस सेगमेंट को देखेगा ही नहीं, तो उसकी समझ में ही नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो इंटर तक लड़का को इसी में घुमा करता है, ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन आया तो पढ़ लो, बोर्ड में नहीं आया तो ना पढ़ो, ये क्वेश्चन आया चार बार पढ़ लो, यही घुमा करता है। हम कहते हैं कि उस सेगमेंट में जो आपका कॉम्पिटेटिव है उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि उस समय आपका इतना पढ़ा रहता है, जब इतना पढ़ा थोड़ी सी मेहनत में भी ये कवर होता जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पहले छोटी सी प्रॉब्लम, फिर थोड़ी सी हार्ड, फिर आपके टास्क वाले क्वेश्चन, तो जब आप करोगे तो आपको एक से एक फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि लड़का यहाँ पे पढ़ता है इतना 40%, इसके बाद वो कोचिंग में चला जाता है, और जब आप कोचिंग में जाएंगे जनरल कोचिंग जो है वहां 75% लेवल मान के चलते हैं, क्योंकि वो यहां नहीं पढ़ाते, वो सोचते हैं कि ये तो यहां पढ़ाएंगे तो उनकी कोचिंग का लेवल नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो यही पढ़ाना शुरू होते हैं। लड़के को नॉलेज यहां तक है, वो पढ़ा रहे हैं यहां तक, तो ये कौन चीज है? वैक्यूम है, निर्वात। इसको कौन फुलफिल करेगा? कोई नहीं फुलफिल कर सकता। तो आप जब कोचिंग में जाते हैं इसीलिए वहां डिप्रेशन हो जाता है, वहां मन नहीं लगता, वहां समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां इस लेवल से शुरू किया जाता है। वो मानते हैं कि यहां से आपको पढ़ाना है, क्योंकि ये नहीं पढ़ा सकते, वो मान के चलते इतना आपको मालूम है, और आपको मालूम इतना है, क्या होगा? इस वैक्यूम को फुलफिल कोई नहीं कर सकता। मेरे अगर वीडियो आप देखेंगे ना तो उनमें यही चीज, ये चीज फुलफिल करने की कोशिश की गई है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगे यार IIT के लेवल तो बहुत नीचे की चीज है, नो डाउट मैं जानता हूं, लेकिन वो नीचे की चीज अगर हम नहीं बताएंगे तो आप ऊपर की चीज नहीं समझ पाएंगे, ये मेरा वादा है। नीचे की चीज जब आप फंडा क्लियर करते चलेंगे तो ऊपर की चीज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो वैक्यूम है इसे हमने हटाने की कोशिश की है ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आ सके। ये कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन में एक से एक मैटर भी पढ़ने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। आजकल आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में मैटर नहीं, बहुत सारा मैटर जितना आप पढ़ सको, नहीं कुछ है गूगल बाबा है, कोई भी प्रॉब्लम आप डालेंगे सीधे सीधे सलूशन आपके पास आ जाएगा। आप में हुनर होना चाहिए, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। पहले तो किताबें ही नहीं होती थी, इतना मैटर भी नहीं होता था, आजकल जितना आप पढ़ोगे जितना आप चाहो उतना मैटर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी टिप्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं व्हाटएवर बी योर रेफरेंस बुक, उनमें जब आप देखेंगे तो लगेगा यार ये तो हमें आते हैं, इस किताब का हो या दूसरी किताब का हो या तीसरी किताब का हो, क्योंकि आपका फंडा क्लियर है, आपका वो लेवल क्लियर है, आपने वैक्यूम बनने दिया ही नहीं। जब आपने वैक्यूम बनने नहीं दिया तो कोई भी रेफरेंस बुक हो, कोई भी कंपटीशन की बुक हो, आपको 80% 85% क्वेश्चन पहले से आते होंगे, और फिर थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे आपके 90-95% क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरी चीज है, आप अगर सोचते हैं कि इंटर के बाद हम तैयारी करेंगे, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। जब आप इंटर में होते हैं तो उस समय बोर्ड का एक प्रेशर रहता है और उस प्रेशर में आप ज्यादा पढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा 2-3 महीने या सोचते हैं अगले साल मौका मिलेगा तो वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता फिर, क्योंकि अभी तो तुम्हारा 60% तैयार है, 65% तैयार है, आपको उसके ऊपर 30 और 35% ही तैयार करना है। जब आपका गैप हो जाएगा एग्जाम के बाद में, आप जानते हैं क्या स्थिति होती है बोर्ड एग्जाम देने के बाद में, फिर लड़के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे क्या पढ़ा था, अगर उनसे पूछा भी जाए ठीक है देख लेंगे बाद में, क्या होता है उससे?
उससे होता कंपटीशन देना है, लेकिन ठीक है देख लेंगे बाद में वैक्यूम नीट। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको सफलता मिले। हमने कोई नई चीज नहीं बताई है, मेरा जो अनुभव है 30 साल का ये मैं शेयर कर रहा हूं। ये जो एक्सपीरियंस है कि कैसे लड़के सक्सेस पाते हैं, वही लड़के सक्सेस पाते हैं जो हमेशा एक लेवल का पढ़ते हैं, केवल बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ते कि मैं बोर्ड में 95-90% आपको 30 साल पहले की बात बताएं तब परसेंटेज बहुत कम आता था, 75-80% का लड़का बोर्ड में टॉप करता था। लेकिन उस लड़के का 75-80% वाले लड़के का सिलेक्शन IIT में भी होता था, रुड़की में भी होता था, और जो एक MNR होता था उसमें भी होता था, CTMT में भी होता था। क्यों? क्योंकि 75% और 80% तब आते थे कि जब वो लगभग 85% सिलेबस तैयार करता था। आज के दिन में ऐसा नहीं है, आज के दिन में आपके हैं तो 95% और कंपटीशन पॉलिटेक्निक का नहीं निकल रहा है। क्या है ये 95% वाले लड़के से पॉलिटेक्निक का कंपटीशन नहीं निकल रहा? क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक में प्रॉब्लम्स हमें कॉन्सेप्चुअल है, वो फंडामेंटल देखते हैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं, और बोर्ड में आपने जो दे दिया वो आपका ट्रेडिशनल पेपर था, एक सुपरफिशियल प्रिपरेशन से दे दिया। तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए। जब डेप्थ में आप इधर पढ़ लेंगे 2 साल, आगे जब आप कंपटीशन देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से सफलता मिलेगी। आइए देखें दूसरी चीज ये है कि आजकल IIT, पहले तो जितने देश में IIT थे वही कंडक्ट कराते थे, CBSE कंडक्ट कराने लगी थी, लेकिन अब उन्होंने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया है कि आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाइए और फिर आप एक सिलेक्शन करिए IIT मेन के लिए। जो JEE मेन है उसके लिए उन्होंने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बॉडी बनाया है, और उसके बाद जब एडवांस होगा तो उन्होंने IIT रुड़की को इस साल के लिए दिया है। उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया परसेंटाइल, बड़ा कंफ्यूजन में लड़के रहते हैं परसेंटाइल क्या है। देखिए परसेंटाइल कोई नई चीज नहीं है, परसेंटाइल इज अ रिलेटिव मेजरमेंट, कंपैरेटिव मेरिट लिस्ट, कंपैरेटिव मेरिट लिस्ट को कहते हैं परसेंटाइल। फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत ही एग्जांपल से बताएंगे, टोटल मार्क्स 500 का कोई टेस्ट हुआ, और उसमें टॉपर जो था उसने 450 मार्क्स गेन किए, तो अब क्या 100% मार्क्स हैं इसके? नहीं। अगर आपसे कोई कहे तो परसेंटेज इसके 90 ही हैं, 500 का 450 90% हुआ, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है ऑल इंडिया कंपटीशन में, वो फर्स्ट पोजीशन है उसकी, इसलिए इसका परसेंटाइल माना गया 100% परसेंटाइल या 100% जबकि 100% मार्क्स नहीं है। यानी यहां एक रिलेटिव क्राइटेरिया है, जो टॉपर है वही 100% है, जो टॉपर है वही 100% है, वही परफेक्ट है, वही आइडियल है। वो भले ही तुम्हारा 450 का भी हो सकता है, 430 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है। अब किसी लड़के ने 420 मार्क्स या 430 मार्क्स गेन किए, अब 430 मार्क्स वाले की परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, 450 वाले को 100% माना गया तो 430 वाले की परसेंटाइल हो गई 100/450, जो भी आएगी इसकी परसेंटाइल हो गई। अब आता है 400 वाला, इसकी परसेंटाइल क्या हो गई? तो 400/100/450, क्यों? इसी को तो 100% माना गया है, ये इसकी परसेंटाइल हो गई। तो कोई नई चीज नहीं है, परसेंटाइल इज द कंपैरेटिव मेरिट लिस्ट, ये कंपैरेटिव मेरिट लिस्ट, इसमें टॉपर को 100% वाला माना गया। तो इसमें अगर 10 लड़के हैं तो 10 का 100%, इसमें अगर 15 लड़के हैं तो 15 का भी जो भी आएगा उतना परसेंटाइल है। तो ये परसेंटाइल, एक और चीज आती है, तो परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। परसेंटेज और परसेंटाइल बहुत अलग अलग चीजें हैं। कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम नंबर मिलते हैं, और जब बहुत कम नंबर मिलते हैं तो उसमें 60% पाने वाला लड़का 100% गेन कर सकता है। सही बात है, 500 में अगर 300 नंबर जिसको मिले हैं वो टॉपर है तो उसकी परसेंटाइल 100 कही जाएगी। तो परसेंटाइल एंड परसेंटेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद एक और चीज होती है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट आप सबसे कई यूनिवर्सिटीज में भी लागू है,
और जब आप आईआईटी में या किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो वहां पे क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। क्रेडिट सिस्टम जो है क्रेडिट सिस्टम ये बताता है कि उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में कितनी है। आपके पास पांच सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर एंड सब्जेक्ट फाइव। हर एक एक क्रेडिट डिसाइड है और उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग उसके लेक्चर्स डिसाइड हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसके पीरियड्स डिसाइड हैं, प्रैक्टिकल डिसाइड है, टोटल मार्क्स डिसाइड है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड है। मान लीजिए सब्जेक्ट वन तुम्हारा 50 मार्क्स का है टोटल, सब्जेक्ट टू आपका 70 मार्क्स का है, सब्जेक्ट थ्री भी 70 मार्क्स का है, सब्जेक्ट फोर 100 मार्क्स का है और ये 150 मार्क्स का है। तो इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट में ज्यादा है? इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब इंपॉर्टेंस ज्यादा है जाहिर सी बात है इसका सिलेबस अलग होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें पीरियड्स भी ज्यादा लगाए जाएंगे, सिलेबस भी वाइड होगा, लेक्चर्स भी ज्यादा होंगे और जब पेपर होगा तो पेपर में टोटल 150 नंबर का रहा है उसमें भी ज्यादा गेन करने होंगे। इसी के अकॉर्डिंग इनके क्रेडिट है, किसी सब्जेक्ट का 5 क्रेडिट, 6 क्रेडिट, 4 क्रेडिट। जैसे मान लीजिए इस सब्जेक्ट का इसका क्रेडिट उन्होंने 6 दे दिया, इसके कंपैरिजन में इसका 1/3 है जिसका क्रेडिट हो गया 2। इसी तरीके से इसका किसी का क्रेडिट हो गया 3, किसी का क्रेडिट हो गया 4, इसी तरीके से या 5, जो भी हो। क्रेडिट का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, जानते तो है, डेली बोलचाल में भी हम लोग कहते हैं इसका क्रेडिट आपको जाता है, यानी ये जो काम हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस आप ही के कारण हुई है, वही चीज यहां पर भी है। अब क्रेडिट तभी गेन होंगे जब उस सब्जेक्ट को आप क्लियर करेंगे। क्रेडिट मिलने का मतलब यह है कि उस सब्जेक्ट को आपने पास कर लिया है। ये जरूरी नहीं कि आपने 99% से पास किया या 33 से, आपका क्लियर है सब्जेक्ट। तो ये पास जो है, अगर आपने किसी कोर्स को पास कर लिया है तो उसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे, क्रेडिट स्कोर आपको मिल जाएगा। परसेंटेज से इररिलेवेंट होता है, परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता। अगर चाहे आप 33% से पास हो या 99% से पास हो, क्रेडिट आपके बराबर होंगे, क्रेडिट में चेंज नहीं होगा। क्रेडिट केवल ये बताता है उस कोर्स को आपने क्लियर कर लिया है, भले ही 33% नंबर आए हो। जैसे एक टॉपर लड़का है उसके 150 में 140 आते हैं तो भी 6 क्रेडिट मिलेंगे, एक पुअर लड़का है उसके 54 आते हैं 150 में, पास वो भी 33% ज्यादा है तो वो भी 6 क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट दोनों को बराबर मिलेंगे, परसेंटेज अलग अलग होगा। तो जब क्रेडिट से मिलेंगे तो इसका मतलब है टोटल कोर्स के क्रेडिट डिसाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम टोटल करें तो ये पूरा जो कोर्स था 3, 2, 5, 3, 8, 5, 13 19 क्रेडिट का था ये पूरा। 19 क्रेडिट में अगर मान लीजिए उसको मिलते हैं 14, तो इसका मतलब है 5 क्रेडिट उसके कम है। इसका मतलब कोई ना कोई कोर्स क्लियर नहीं हुआ उसका, वो अकेला ये भी हो सकता है या ये दो मिला के हो सकते हैं। तो क्रेडिट का मतलब यह है कि आपने सभी कोर्स क्लियर कर लिए हैं अगर आपको क्रेडिट मिले हैं, और अगर क्रेडिट नहीं मिले है इसका मतलब उस पर्टिकुलर कोर्स को आप क्लियर नहीं कर पाए, उसमें फेल है। तो आजकल हर यूनिवर्सिटी में क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम से इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कोर्स पता चलती है और एक प्राइमा फेसियल एक सिंगल विजन में पता चल जाता है यार इसका कोर्स तो था 125 नंबर का, 125 क्रेडिट स्कोर का और इसको 120 मिला, यानी एक सब्जेक्ट इसका अभी तक अनक्लियर है। तो ये हुआ आपका क्रेडिट। तो बच्चों इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी कंपटीशन क्रैक करने की। और फिर इसी तरीके से हम वीडियो में आपको छोटी छोटी टिप्स देते रहेंगे, इसी तरीके से आप देखते रहिए। थैंक यू।